बस मुझे नहीं पता, अब अपने बच्चों से कह दें इस बार वो कहीं ना जाया करें, घर का सन्नाटा मुझे काटने में दौड़ता। नहीं अजीब औरत हो तुम भी, शिकायत हो तब मसला, शिकायत ना हो तब भी मसला। लेकिन पूरे घर में सिर्फ एक ही दबंग आदमी, दबा ले लो मेरा नाम लो, द वन एंड ओनली गुगली जी। तो यहाँ भी कौन आता है खानदान का? खानदान वाले तो उनका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते हैं। देखा नहीं, लड़की भी गैरों में ब्याही है, खानदान से रिश्ता ही नहीं आया होगा। वो अम्मी वो एनी भाभी कह रही थी कि वो मिसेस रहमानी है ना, उनकी बहू है ना, उनकी बहू की अम्मी अगर होती तो वो मिसेस रहमानी को नाकू चले चबा देती। हाँ काश ऐसा हो जाए तो उस बच्ची को भी उस औरत के जुर्मों से तम से निजात मिले हैं, तो उसके भी कान खींचने वाला हो। क्या कर रही हो तुम लोग? अरे वाह वाह वाह, चूल्हा तो बड़ा चमक रहा है। वो अम्मी हमने इतना रगड़ के साफ किया है, हाथ दुख गए तुम्हारे? हाथ दुख गए? तुम इतनी नाजुक तो नहीं हो बीबी, हाथ में स्पंज है, हाथ भी तुम्हारे स्पंज जैसे, दर्द कहाँ लगे? जरा सी तारीफ क्या करती तुम, सर पे चढ़ गई? तुम क्या कर रही हो? अम्मी वो शर्फ साफ किए ना। हाँ वैसे किचन की कुछ शक्ल तो निकल के नजर आ रही है आज, अपनी शक्लों से ज्यादा घर पे तवज्जो दिया करो, यही सलीकामंद औरतों का काम होता है। इधर की बात उधर की बात इधर। बच गए लगती है हमें, बच गए। डैडी आपसे एक बात करनी थी। हाँ आओ बैठो। डैडी ये इतवार वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। भाई हर इतवार को सब घर वाले। तो आप मुत्तफिक हैं इससे? भाई मेरी राय महफूज। लगता तो ये है कि आपकी रजामंदी शामिल है सब में। अरे अक्का तुम्हारा क्या मसला है? मेरा मसला नहीं है, वो एनी जी का। तो तुम्हारा ही मसला हुआ ना? नहीं वो एनी जी के कजन अहमद के बेटे का अकीका इतवार को। और तुम जाना चाहते हो तो भाई उस वक्त क्यों नहीं कहा? डैडी मेरे तो वाकई जहन में ही नहीं था। लेकिन एनी के तो जहन में होगा, वो तो कह सकती थी। इसका तो पता नहीं लेकिन जाना बहुत जरूरी है। देखो अक्का अगर मैंने तुमको इजाजत दे दी ना तो हर इतवार कोई ना कोई यहाँ पे खड़ा होगा इजाजत लेने के लिए। तो डैडी आप अम्मी के ऑर्डर पर वीटो क्यों नहीं कर देते? यार हर छोटी छोटी बात को वीटो करने से वीटो की अहमियत खत्म हो जाती है। अब मैं क्या करूं, एक तरफ अम्मी दूसरी तरफ एनी जी और बीच में तुम। ये जो शोर होता है ना, ये सर्कस में रस्सी पे चलने वाला वो बंदा होता है जिसका एक सिरा माँ के पास और दूसरा सिरा बीवी के पास। अब मसला ये है कि इसी को संभालने का नाम बैलेंस है, बस बैलेंस करो। हाँ मेरे पास वो बैलेंस करने वाला डंडा भी नहीं है। अरे भाई ये दिमाग है ना, इसमें से बैलेंस निकालो अपना। जाओ मुझे टीवी देखने दो, सोचो। थैंक यू। तो सावन के बाद लो उनसे ये जाको। इनको तो कोई शॉपिंग सेंटर में बिठा दे। यानी क्या क्या ले आई, कहाँ से आ रही हो, बड़ी थकी हुई लग रही हो। ओ अम्मी वापसी पर रिक्शा बहुत दूर से मिला ना तो काफी पैदल चलना पड़ गया। क्या क्या ले आई? कुछ नहीं अम्मी, बस वो बुटीक से एक सूट लिया है। उन थैलों में क्या है?
वो सस्ती मिल रही थी बहुत, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, थोड़ी सी ले आए। मैचिंग की सैंडल भी होगी? नहीं, किसी तकरीब की तैयारी लग रही है। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं, वो हमने कहाँ जाना, बस ऐसे सेल लगी हुई थी ना, हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लें, बहुत थक गए हैं, आराम करते हैं अब। मैचिंग की चीज़ें ढूंढने में थकन बढ़ी जाती है, इधर जा उधर जा, पूरे शॉपिंग मॉल में घूम, चीज़ें मिला, नहीं जा आराम कर। थैले तो 25 उठाए हुए, जरा सी शॉपिंग, मुझे लगता पूरा शॉपिंग सेंटर ही उठा ले। माँ क्यों नहीं बैठ जाती है, कोई दुकान खोल ले, मेरे बच्चे के पैसे उड़ा के रखती है सारे, जब देखो नया जोड़ा, जब देखो नई जूती, तौबा है भाई। अरे वाह एनी भाभी, इस बार तो बड़ी स्प्लेंडेड शॉपिंग की आपने। कहाँ तहरीम, जो सूट हमें सबसे ज्यादा पसंद था ना, हम ला ही नहीं सके, इतनी कीमत कम कराई लेकिन वो कम करके नहीं दे रहा था। अच्छा, आप कीमत भी कम कराती हैं? अच्छा बढ़िया है, क्यों हमारे मियाँ के पास क्या नोट छापने की मशीन है? हम बड़े सलीका मंद है, फजूल खर्च बीवियों जैसे बिल्कुल नहीं है। और पता है क्या, ये तो कहते हैं कि हम जैसा कंजूस नहीं देखा कभी। एनी भाभी, आप इतने सारे कपड़े तो ले आई हैं लेकिन पहने की कहाँ? हाँ ये तो हम भी सोच रहे थे, कोई तकरीब ही नहीं निकल के दे रही, दिमाग लड़ाएं, कोई इंतकाल वगैरह। तौबा तौबा तौबा, तहरीन कैसी बातें करती हैं आप, हमको मोलेकुल मौत थोड़ी है, हमें क्या पता कौन मरने वाला है, वैसे भी क्या मरने पे हम ये लाल चूड़ा पहन के जाएंगे, नए कपड़े थोड़ी पहनते वैसे भी। अब नहीं नहीं नहीं, कोई स्वयं वगैरह, अस्पताल में कोई मरीज वगैरह। सारे मजाक ना आपको, हमें देख के सोचते हैं, हम देख रहे हैं। अच्छा ये सोचे शायद कोई तकरीब घर पे ही निकल आए। आपकी बर्थडे आने वाली है लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्यों उसके लिए तो बहुत बड़ा केक मंगाना पड़ेगा, अब हमारे मोटापे पे तंज शुरू हो गए हैं। नहीं नहीं अनी भाभी, कसम ले लें आपके मोटापे पे तंज नहीं कर रही। फिर मैं ये सोच रही थी कि इतनी सारी कैंडल्स लगाने के लिए केक भी बहुत बड़ा होना चाहिए, 10 pounds का चलेगा? करीम शरीर है, कम से कम 10 pounds का तो होगा। मजाक सिर्फ आप ही कर सकती है ना। अच्छा लाइन में तय करवाता हूँ। अरे वाह वाह मैडम, बड़ा सुकून मिल रहा है, देखना अपने तो फिर अपने होते हैं ना। मुझे, मैं तुझे डांटती हूँ, वो तो तेरी भलाई के लिए। हाँ जी अम्मी जान, मैं भी आपकी बड़ी सस्पेक्ट करती हूँ। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। जी अम्मी जान, आपने मुझे बुलाया। हाँ मैडम, आजा मेरा बच्चा आजा। अरे घबरा क्यों रही है, आजा ना, आजा आजा मेरे पास, इधर इधर बैठ। फिर टांगों में दर्द हो रहा है, जरा सा दबा दे नरम नरम हाथों। आजा आजा आजा, यहाँ के बैठो, यहाँ बैठो ना मेरे पास आके, दिल से टांगों में दर्द हो रहा है, आज जरा नरम नरम हाथों से मेरी टांगे तो दबा दे मेरी बच्ची। अरे तो मेरी बच्ची क्यों घबराती है मेरे से बिला बच्ची। अरे वाह वाह मैडम, बड़ा सुकून मिल रहा है, देखना अपने तो फिर अपने होते हैं ना। मुझे, मैं तुझे डांटती हूँ, वो तो तेरी भलाई के लिए। हाँ जी अम्मी जान, मैं भी आपकी बड़ी सस्पेक्ट करती हूँ। खून खून होता है, अब देख लो, जो तुम्हें इस घर की परवाह होगी ना, वो और किसी को नहीं होगी। मैं अगर तुमसे कोई बात कहूँगी तो तुम टालोगी?
कभी नहीं अम्मी जान। यही तो फर्क होता है अपने पराए में। तहरीन तो फिर भी मान लेती है, पर ऐनी के दिमाग में ऐसा शर है जो बात कहो उसका उलट करती है, खास तौर पे मेरी बात का। हाँ जी अम्मी जान, वो तो सबके साथ यही करती हैं। इसी को तो शर कहते हैं। जान बूझ कर शर फैलाती है। तुम दोनों को किस तरह बहकाती है देखा नहीं तुमने? हाँ जी अम्मी जान, वो तो मुझे भी पकाने की बड़ी कोशिश करती हैं, लेकिन मैं भी अब चलाक हो गई हूँ, मैं नहीं बहकती भूखती। तुम तो हमेशा की जहीन हो पर चलाक नहीं हो, तो ये तो अच्छी बात है ना अम्मी जान। बिल्कुल, यही तो अच्छाई है तुम में। तुम एक बात बताओ भला, ये ऐनी आजकल किन तैयारियों में मसरूफ है, किस तकरीब में जाना चाह रही है वो? अच्छा, मुझे तो नहीं पता। अरे आज ही ऐसी जबरदस्त शॉपिंग करके लाई है, ऐसा जबरदस्त जोड़ा, जूती, पर्स वगैरह सब कुछ लेकर आई है। लेकिन मुझे नहीं पता अम्मी जान। बुद्धू कहेंगी, इसीलिए तो कहती हूँ तू बहुत सीधी है। जरा जाके पता तो करो क्या लेकर आई है। जी अच्छा अम्मी जान, मैं भी आई। जा बात सुन, बात सुन, मेरा नाम ना लेना, जाके जरा ऐसे ही सुन गुन लो, जा। ना ना, मैं आती हूँ अम्मी जान। शाबाश शाबाश, देख अब क्या खबर लेकर आती है। हाँ, अब आएगी खबर। मैंने सुना आपने बड़ी आला बढ़िया शॉपिंग की है, जरा मुझे भी बता। नहीं बस कुछ नहीं, ऐसी खास नहीं है। लेकिन मैंने तो आपकी शॉपिंग की बड़ी तारीफें सुनी है, मैं खुद ही देख लेती हूँ, आप थक गई होंगी ना। ऐसे क्या गजब शॉपिंग कर ली हमने कि तहरीन सबको बताती फिर रही है। लेकिन तहरीन भाभी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, मैं देखती हूँ। फिर तो अम्मी ने ही बताया होगा, अगर उन्होंने शॉपिंग देखी कहाँ। समझ गए। ऐनी भाभी, जरूर कोई चाल है तलवार से। ऐनी भाभी क्या सोच रही है? मैं जानती हूँ आपके सिर में उतार दो क्या होगा ना, मैं खुद ही देख लेती हूँ जब भी। तो नहीं नहीं, एक तो ऐसी को खास शॉपिंग नहीं है, और दूसरा ये कि लू चल रही है बाहर, बहुत गर्मी हो गई है, आराम कीजिए। आराम करती है, कितना काम करती है आप सारा दिन, है ना, तो आप भी आराम कीजिए, हम भी आराम करेंगे। ओके बाय। ये क्या बात हो गई, अभी बताती हूँ जाके अम्मी जान को। लाती है, देखो आगे। अम्मी जान, क्या क्या ले आई तुम्हारी जिठानी? अम्मी जान वो ना, हाँ पता नहीं, दिखाया नहीं क्या? नहीं जी, मैंने तो काम मुझे दिखा दे, कहने लगी मैं थक गई हूँ, ऐसे भी कोई आम सा ही सूट है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ऐनी किसी बहुत खास जगह जाने की तैयारी कर रही है, छुपा रही है। हाँ अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे मुझे नहीं पता जी। देखो मैडम, जान ना जलाओ, छोड़ दो मेरी टांगे, बस दब गई, चलो यहाँ से। अम्मी जान मैं दबाती हूँ, ले जाओ टांगे साथ, लेकिन तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ। मैं सरौता खींच के मारती हूँ, जाओ निकलो यहाँ से, जान जला के रख कर दू। बढ़िया 007, इतनी सी बात नहीं पता चल सकी। वो अम्मी जान ने पता लगा के, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। रिपोर्ट रहने दो, तुम इतनी रिपोर्टर आ गई, उसको भी तो देखो मोटी भैंस को है, कैसी चीज छुपा के बैठी है। ऐसा बताऊंगी अच्छी तरह के करता सरौते में उंगली दे दूं उसकी। मैडम को भेजा था आज अम्मी ने टो लगाने के लिए। किस बात की? यही कि शॉपिंग कैसी हुई है और किस लिए हुई है। तो फिर हमने मैडम को चलता कर दिया। उन्होंने आपके शॉपिंग बैग्स देख लिए होंगे, छोड़ेंगी थोड़ी। मुझे तो आपका जाना मुश्किल लग रहा है। जाएंगे तो हम जरूर। कैसे जाएंगे? उड़ के? अम्मी की जासूस नजरें हर वक्त आपके ताकुब में हैं।
ऊपर से उन्होंने एक मुख पर भी छोड़ दिया है। मुख पर तो बुद्धू है, बस आप मैडम को कुछ मत बताइएगा। लेकिन जाएंगे तो हम जरूर। अरे ये क्या कर रही हो? अरे पता नहीं कब कब के कागज दराज में भरे पड़े हुए, वो देख रही हूँ। अरे ये तो बड़े जरूरी कागज हैं। हैं? लाए जरा हम भी तो देखें कितने को जरूरी हैं। ड्राई क्लीनर की रसीदें, सौदे की रसीदें, और ये कुछ शादी के कार्ड। अरे जिनकी शादी के कार्ड हैं उनके तो बच्चे भी जवान हो चुके होंगे अब। भाई बच्चों का तो मालूम नहीं है, ये औरतों को मालूम होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि मर्द हजरात तो दूल्हे की शक्ल भी नहीं देखते, बस यही कहते हैं खाना खाओ और घर को चलो। ये आजकल आपकी बड़ी बहू बेगम साहिबा बड़ी शॉपिंगों में लगी हुई है। तुमको क्या इतराज? क्यों भाई, क्यों ना हो, आखिर हमारे बेटे की कमाई जा रही है। हाँ तो भाई उसका शौहर भी तो है। मुझे तो लगता है ऐनी बेगम किसी बड़ी तकरीब में जाने की तैयारी में लगी, लेकिन वही पुरानी घटिया आदत छुपाने की, बताना ही नहीं है क्या जा रहा है। और तुम्हें जेम्स बॉन्ड बनने की क्या जरूरत? क्यों ना बनूं, खबर रखना मेरा काम है, घर की बड़ी हूँ, सबकी खबर रखूंगी, बहुएं क्या क्या कर रही है। इशरत बेगम जी, इसे खबर नहीं कहते दे? इसे टो कहते हैं। आप मेरी हर बात की काट कीजिएगा, बस मेरी कोई बात सही नहीं है, बस ये कागज भी सही है, रखे संभाल के दराज में अपनी, जाए हम निसाब कर रहे हैं। जाओ आए आए आए, फिदा हो जाओ इन सदा में, खानदान ही ठीक है हमारे लिए। रीम भाभी, आपने एनी भाभी की शॉपिंग देखी है? हाँ देखी है। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखा रही हैं वो? कहीं तुम उन जैसा सूट ना ले आओ। भला कैसी बात है, उनसे भला कौन कंपटीशन कर सकता है? कंपटीशन होता है मैडम, और वैसे भी अगर कंपटीशन ही है तो भी तुमसे क्यों छुपा रही हैं? यही तो मुझे हैरानी है तरीम भाभी, भला मुझसे क्यों छुपा रही है? और वैसे भी मुझे लगता है उन्होंने किसी शादी में जाना है, ये शॉपिंग बड़ी स्पेशल है। ये तो तुम उन्हीं से पूछो। ओ जी जाना है तो जाएं, छुपाने की क्या जरूरत है इसमें भला। वैसे बात तो मेरी समझ में आ गई है। क्या बात समझ में आ गई है? मैं क्यों बताऊं, जैसे वो छपा रही है ना वैसे अब मैं भी छपाऊंगी, मैं भी नहीं पता चलने दूंगी, तब आने पे बताऊंगी। गुड। इन भाभी लगता है मैडम को आपके प्रोग्राम का अंदाजा हो गया है। आपने तो कुछ नहीं बताया। कैसी बातें कर रही है? फिर तो अम्मी को जरूर बताएंगी। बस आप जरा खबरदार रहिएगा। जाएंगे तो हम जरूर, बस मैंने आपको बताना था। आ जाओ। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। एक काम करते हैं, लॉन के रास्ते चलते हैं, बाहर बाहर से निकल जाएंगे, अगर रास्ता साफ हुआ तो निकल लेंगे, नहीं तो फिर बाद में ट्राई करेंगे।